हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? आज की सब बढ़िया होंगे। और ये हमारे भाई क्यों चुप रहे हो भाई? आज हम जा रहे हैं होली मनाने के लिए। बहुत दूर जा रहे हैं, बसोली में जा रहे हैं हम घूमने के लिए। तो ये हमारे दो छोटे भाई चुन्नू मुन्नू बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे हैं। इधर चुपके बैठा हुआ है और एक इधर चुपके बैठा हुआ है। और ये हमारे ड्राइवर भैया और ये इतना ज्यादा शर्मा रहे हैं ना, पता नहीं क्यों इनको क्यों इतनी शर्म आ रही है। और भाई शर्मा होना यार। बसोली में जा रहे हैं आज, तो आज छुट्टी थी ऑफिस में। ये सारे मेरे ऑफिस में ही काम करते हैं, हम चारों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। और एक बंदा आगे से और लेना, हमें अभी बस उसके पास पहुंचने वाले, वो आगे वेट कर रहा है। फिर हम पांच बंदे हो जाएंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे। आपको पूरा बताते जाएंगे, जहाँ जहाँ भी हमें अच्छी लोकेशन मिलेगी तो सारा कुछ बताएंगे आपको वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, अभी दूसरे बंदे को लेना, अपना एक और साथी है पांचवा बंदा, तो हम पांच बंदे हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, एंजॉय करते हैं आज का दिन। इनका नाम है जोनी सिंह। अरे भाई आजा आजा, बस आते बैठ शुरू इनकी। कपड़ा भाई भाई नाराज हो गया है, नाराज इस बात के लिए हो गया। ये कह रहा है कि ये बर्तन क्यों डाले, चिकन बनाना था हमने। मैं चिकन खाता नहीं, वैसे मैं नॉन वेज खाते, बाकी सारे नॉन वेज खाते हैं। और ये हमारे जोनी भाई है, ये कहते बर्तन क्यों नहीं डाले हैं। अरे भाई बना बनाए खाएंगे ना उधर ढाबे में। अरे जरूरी बर्तन डाल लेते, भांडे नहीं पाने यार, नहीं पाने भांडे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बसोली वाले ब्रिज पे, और मेरे को यहाँ पे फुटपाथ पे जाना है, और थोड़ी दिक्कत हो रही है क्रॉस करने में। और आपको मैं दिखाता हूँ, अभी ये यहाँ पे पानी है, ये यहाँ पे बोटिंग होती है नीचे शायद, हाँ वो बोटिंग हो रही है। सोचा है कि हम भी करेंगे बोटिंग, देखते हैं कितना इसका रेंट लेते हैं एक एक बार बोटिंग करने का। पानी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल स्लो है, पानी रुका हुआ है, लेकिन पानी नीचे से बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चलता है, इतनी ज़्यादा स्पीड से चलता है ना कि आदमी आराम से बह सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बसोली मेन सिटी में पहुंच गए हैं। अभी हम करवा रहे हैं खाने के लिए, पैक करवा रहे हैं। पीछे लड़के, वो दो लड़के थे और हमारे दोस्ती, वो खाने के लिए पैक करवा रहे हैं, चिकन पैक करवा रहे हैं। मैं खाता नहीं चिकन, मैंने अपने लिए कुछ वेज में पैक करवा ली है। तो चलते हैं, अभी आपको एक चीज़ दिखवाता हूँ। यहाँ पे बसोली की जो रामलीला होती है वो पूरे इंडिया में ना, मतलब कि पहले नंबर पर आती है, सुनने में आता है। अभी पता नहीं, मैंने कभी देखी नहीं है, और मैंने यही सुना है कि पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे इनको रैंक मिलता है। आपको वही दिखाने जा रहा हूँ कहाँ पे होती है वो रामलीला। गेट बनना हो अभी उसका, चलो देखते हैं और चलते हैं, आपको दिखाते हैं रामलीला ग्राउंड कहाँ पे है वो। और मेरे साथ ये हरीश हैं, वो मेरे साथ ही काम करते हैं, ये यहीं पे पढ़े हैं। यहाँ पे एक कौन सा स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, यहीं पे पढ़े हैं, बसोली में पढ़े हैं। कि कितने साल पढ़े थे, छः सात साल यहीं पे स्टडी की है इन्होंने। इनको सब कुछ पता है यहाँ पे, मतलब हर एक गली का पता है यहाँ पे, रग रग से महरम है यहाँ पे। तो चलते हैं, अभी यही दिखाने लिख के जा रहा है मुझे, मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया बसोली में। चलते हैं, बाय बाय। अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे होती है रामलीला बसोली की, पूरी इंडिया में सबसे अव्वल दर्जे की रामलीला यहीं पे होती है। अरे जी कहाँ पे होती है ये, मतलब स्टेज कहाँ पे है इनकी? ये यहाँ पे ग्राउंड है सामने, यहाँ पे स्टेज खड़ी करते हैं, यहीं से रामलीला इनकी शुरू होती है। हाँ दो दरबार लगाते हैं ना, बिल्कुल ओपन में होती है। और ये ग्राउंड है यहाँ का, बस यहीं पे रामलीला होती है।
दिवाली ब्रदर, हैप्पी दिवाली। ये तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने पार्टी वाली लोकेशन पे, जहाँ पे हम अभी पार्टी करेंगे। यहाँ पे पार्टी हो रही है, पार्टी 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 पार्टी। अलग कचरा ये, अभी पार्टी वार्टी हो गई इनकी, अभी ये कचरा उठाना। यार इसमें है कुछ यार, अभी तो ये आपने फिनिश भी नहीं करा है। यूनिवर्सिटी तू दुराटे काट रही है भाई। यार फोटो खींच में बट्टा पकाना मार दिया। पागल हो गए दोनों, पागल पानी दी कला करा। पहली बारी पानी दी कलो है साले पहले पानी नहीं ताई। ये दोनों पागल हो गए, इन्होंने पहली बार पानी देखा है। दो बंदे सब, दो तीन बंदे मिल गए। कुछ जाने नहीं मरने जरना का यार। चलो ठीक है, हम जा रहे भाई, आप आ जाना। बाय। हम जा रहे भाई, हम जा रहे, सच में जा रहे हैं। भाई हम आधे घंटे से यहीं पे बैठे हुए, इनका वेट कर रहे हैं कि आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने नंगे नहीं आना बिल्कुल भी, हमें हमारे कपड़े हमें वापस कर दो, हम आ जाएंगे। बट हम इनके कपड़े वापस नहीं करेंगे, और हमें अभी इनका वेट कर रहे हैं। और वो सामने खड़े हैं, आपको शायद दिख रहे होंगे यहाँ से, वो बिल्कुल सामने खड़े हैं। एक के पास कपड़े हैं, एक ने कपड़े पहन लिए, और जो दूसरा हमारा साथी असीम है उसके पास एक भी कपड़ा नहीं है, वो सिर्फ चड्डी पहन के बैठा हुआ है वहाँ पे, और हमारा वेट कर रहा है कि आए और हम उनको कपड़े दें। कपड़े उसके यहीं पे, ये गाड़ी में कपड़े पड़े हुए उसके। मेरे को हंसी आ रही है, वो सामने दिख रहे हैं छोटू छोटू। चलिए वेट करते हैं उनका तब तक, जब कहते जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी किस कंडीशन में आ रहे हैं वो। तो अभी वापस हम उसको लेने ही आ रहे हैं, वो नहीं आया, कहता कि मैं आऊँगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा शर्म कर रहा है। तो हम वापस अभी गाड़ी में उसको लेने ही आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं और आपको उसकी कंडीशन दिखाते हैं। आधे घंटे से खड़ा है वो धूप में, और दूसरा वो जो रेडी होके आ गया वो वहीं पे खड़ा हुआ है। ये देखिए हमारे बंदों के कारनामे, नहा के चड्डी आगे सुखाने के लिए रख दिए बोनर के आगे। सीम ने बताया मुझे कि जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी और क्वालिटी की बर्फी मिलती है, बिल्कुल प्योर खोए की बर्फी मिलती है, तो आज हम वही टेस्ट करने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं और कैसा टेस्ट है वो भी बताते हैं आपको, और साथ में पियेंगे हम चाय। चाय वैसे मैं पीता नहीं हूँ, चलो इनके कहने पर अभी चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे ए छोटे छोटे पप्पी आ गया। ओए ओए पीछे हटो ना पीछे। ये भी मेरे साथ पहचान कर रहे हैं शायद। मन्नो जाना, मन्नो यार मैं आया, ये लड़का शेर उड़े नहीं। मैं आपको दिखा दूं, ये बन रही है बर्फी भैया। एक खोया बन रहा है ना, मैं खोया है बर्फी बाज बन रही है। इसके बाद भी बर्फी बनेगी ना, ठंडा ठंडा होगा ना पूरा। हाँ हाँ हाँ। और ये भी खोया ना, इसका रंग बदल गया, ये लाल है वो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं,
मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।